हेलो। हाँ भाई सुनील, क्या नाम है आपका, है ना? कैसे हाँ हो? सुनील, ठीक है भाई, बढ़िया। तो देखो, आपके जूनियर से कुछ क्वेश्चन है कॉलेज के बारे में। सबसे पहले तो आप बताओ, आप मतलब कौन सी कॉलेज में हो और कहाँ हो? हाँ विजय, मैं हूँ GMC श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन थे जो मैं पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये था कि ये कॉलेज कैसे एरिया में है, जैसे एक तो गांव वाला एरिया या सिटी वाला एरिया? हाँ विजय भाई, ये सिटी वाला एरिया में ही है। आसपास मैक्सिमम सिटी पड़ती है ना। हाँ सिटी है, बिल्कुल और ये हाँ, सिटी है। जो क्वेश्चन है उनमें सबसे ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ गया, आपने जम्मू बताया एरिया वाला, जम्मू आता है ना या कश्मीर? कश्मीर, हाँ, कश्मीर बताया आपने। तो सबसे बड़ा डाउट तो लोगों को यही हो जाता है कि कश्मीर में दंगे वगैरह, डर लगता है उनको। तो ये पहले ये डाउट निकाल दो लोगों का कि आप कॉलेज वाला जो एरिया है उसमें डर वगैरह वाला कोई सिस्टम है? अरे डर वाला कुछ ही नहीं है, एकदम बढ़िया एरिया है। और ये जो है ना वो ऐसे ही, यानी आने के बाद सब पता चल जाता है। पहले तो हमें भी ऐसे लगता था कि हाँ, यही होता हाँ है कि ऐसा पेरेंट्स है। पेरेंट्स को जैसे पता चलता है जम्मू, वो चॉइस फीलिंग में जम्मू भरते ही नहीं, कश्मीर भरते ही नहीं, ऐसे डर लगता है हाँ उनको। हाँ तभी, अब कुछ ही नहीं है, सब मस्त है, तो फिर आप मस्त ऐसे जगह है। डरे डरे कैसे बोल रहे हो, खुल के बोलो, मस्त डरे आवाज स्लो कैसे आ रहा डरे डरे नहीं बोल रहा, है? एकदम बढ़िया जगह है। और कुछ ही दंगे होंगे, कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। हाँ, और है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वहाँ की कॉलेज की फीस कितनी है, और जैसे हॉस्टल की फीस और खाने का कितना क्या लगता है खर्चा? इसकी टोटल फीस है 35,000, यानी फर्स्ट ईयर की मेरी लगी है 35,000। इसमें हॉस्टल का भी इसमें है, 35 में हॉस्टल भी आ गया, हाँ हॉस्टल भी आ गया। और खाने का अलग कितना लगता है? खाने का अलग, अभी तो फर्स्ट ईयर में मुझे, यानी हॉस्टल मेरा नहीं था, हाँ, और अब सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो खाने का तुम बाहर ही खाते होगे ना अभी, मैस वगैरह हाँ अभी तो बाहर ही खाते हैं, कितना लगता है मैस का? अभी लगभग लग जाते हैं 3-3.5 हज़ार। हाँ, और अदर खर्चा कुछ जैसे पानी वगैरह के लिए, या फिर कैन वगैरह मंगाना पड़ता है, या फिर और कुछ? नहीं अदर खर्चा तो मैं तो ऐसे बाहर ही रहता हूँ, पीजी ले रखी है, तो लगभग तो पूरा ये रूल टोटल। है क्या कॉलेज का कि फर्स्ट ईयर को नहीं मिलेगा हाँ हॉस्टल? फर्स्ट फर्स्ट ईयर में, हाँ लगभग रूल ही मान ले तो कि रूल ही रहता है, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता, सेकंड ईयर से मिल जाता है। हाँ, या फिर ये डर हो कि बच्चे खुद नहीं आते हॉस्टल में रैगिंग की वजह से, डर की वजह से? नहीं नहीं यार, फर्स्ट ईयर में मिलता ही नहीं है, हाँ, वो गवर्नमेंट के और रूल है, वो मिलता एंटी है। रैगिंग के लिए। हाँ और मिलता है तो जो बाहर से आते हैं ना, उनको ही पहले मिलता है, हाँ, दूर प्रायोरिटी वालों को उनकी ही रखते हैं। सही है। चलो, और नेक्स्ट है कि कितने साल पुराना आपका कॉलेज? कॉलेज लगभग अपनी SMS जयपुर के साथ का 1980 का। 80 के आसपास बना था ना। हाँ अगला क्वेश्चन है कि कॉलेज के खुद के ग्राउंड, जिम, कैंटीन, लाइब्रेरी, इनमें से क्या क्या है कॉलेज का खुद का? जिम के, ये तो अभी मालूम नहीं है मेरे को, नहीं, यानी ग्राउंड, हॉस्टल। कॉलेज का ग्राउंड, हाँ कॉलेज में तो ग्राउंड, पार्क, सब घूमने की चीज़ें, और जिम, ग्राउंड जिम बहुत का बड़ा शायद है। हॉस्टल में हो सकता है, जिम आपको पता नहीं है। हाँ हॉस्टल में हो सकता है, और लाइब्रेरी बिल्कुल है, कॉलेज कैंटीन, में ही है। हाँ कैंटीन कॉलेज का। हाँ कैंटीन भी है, नेक्स्ट है हॉस्टल में कि ही है। आप कॉलेज में रैगिंग का क्या हाल है, आपकी में या फिर टोटल कश्मीर में, जम्मू में जितने भी कॉलेज हैं उनमें रैगिंग का क्या हाल है? हाँ रैगिंग का तो ये है कि रैगिंग तो यहाँ बाहर वालों की तो ज़्यादा करते ही नहीं, बस नॉर्मल इंट्रो विंट्रो ही लेते हैं। तो ऐसा है कि वहाँ के जो स्टेट कोटा के, उनकी तो हल्की हल्की जो होगी मतलब, और AIQ से जो जाएंगे उनकी कुछ नहीं है ज़्यादा। AI क्योंकि कुछ नहीं है ज़्यादा, स्टेट कोटा वालों के लिए बताओ कि उनके लिए कितना है? ऐसा तो स्टेट नहीं ना कोटा कि वालों पढ़ाई में की। डिस्टर्ब करते हैं, पूरे दिन रात बिठा के रखते हैं अपने पास, या फिर नाच गाने करवाते हैं, ये तो नहीं ना? अरे ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आज नॉर्मल इंट्रो वगैरह, फॉर्मल ड्रेस नॉर्मल इंट्रो पहनो, ले लेते हैं बस कॉलेज में, और फॉर्मल ड्रेस पहनो ये बस। ऐसा लड़कियों के लिए कोई कि तुम्हें ओनली यही ड्रेस पहननी है, ऐसी पहननी है, अदर कपड़ों पे रोक टोक फर्स्ट ईयर के नहीं नहीं लिए? कुछ कुछ ही रोक टोक नहीं है, जींस वगैरह सब चलते हैं ना। सब चलते हैं। नेक्स्ट है कि कॉलेज में जो फंक्शन वगैरह होते हैं ना, वो कितने क्या होते हैं? देख यहाँ फंक्शन तो लगभग नहीं होते यार, कॉलेज के फंक्शन कम होते हैं फंक्शन कम होते हैं यहाँ पे, जैसे लगभग कॉलेज पढ़ाई। त्योहारों पर, मतलब जो फंक्शन, जैसे अभी गणेश चतुर्थी आएगी तो गणपति चतुर्थी नहीं मनाएंगे? नहीं ये बोल जाओ, यहाँ पे तो कुछ नहीं और जैसे हर है। कॉलेज का हाँ एनुअल फंक्शन तो होता है एक, एनुअल तो होता ही है, खैर वो कितने दिन चलता है लगभग? वो चलता है 4-5 दिन। हाँ, मतलब एक होता है मेन जिसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, एनुअल फंक्शन तो होगा। और व्हाइट कोट सेरेमनी वगैरह कैसे करते हैं?
व्हाइट कोट सेरेमनी नहीं हुई यार यहाँ पे तो। नहीं जो सीनियर होगी उनकी तो हुई होगी ना कभी, तो कैसे मतलब एक तो प्रोग्राम के जैसे बड़ा करते हैं या फिर क्लासरूम के अंदर ही, नहीं सेरेमनी यार यहाँ पे तो नहीं हुई किसी की भी अभी, नहीं? जो ज्वाइन की तो ज्वाइन करने के बाद किसी की भी नहीं नहीं है। तो तुम्हारे बैच की तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन सीनियर वगैरह की तो होती होगी ना, व्हाइट कोट सेरेमनी तो जरूरी है ना। नहीं हुई यार नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है कॉलेज का कि यहाँ मतलब प्रोग्राम थोड़े कम होते हैं। हाँ प्रोग्राम कम होते हैं यार यहाँ चलो अगला है कि जो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट जाएंगे वहाँ पे, जैसे आप भी ऑल इंडिया कोटा से ही गए हो, तो वहाँ लैंग्वेज का और खाने का क्या दिक्कत वगैरह? पे। देख खाने में यहाँ पे ज्यादा नॉनवेज रहता है, वहाँ भी चाव नॉनवेज? हाँ नॉनवेज रहता है और ये चावल तो ये ज्यादा मिलते हैं यहाँ नहीं तो आपने मतलब जैसे आप राजस्थान से हो तो आपको तो मतलब ज्यादा खाना चाहिएगा अपने खुद के तरीका का, जैसे रोटी है, रोटी बिना तो रह नहीं सकते, तो रोटियों का क्या हाल है? पे। हाँ तो रोटी यहाँ पर ही पीजी ले रखी है, वो ही दे देते हैं। हाँ मतलब इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं, मिल जाएगी ना सामान। हाँ मिल तो जाएगी पर नॉनवेज ज्यादा है। हाँ और क्या बोलते, साथ साथ लैंग्वेज वाला बताओ, एक तो ऑल इंडिया कोटा से स्टूडेंट वहाँ जाएगा तो उनको लैंग्वेज का कितना प्रॉब्लम है वहाँ? लैंग्वेज वैसे तो लैंग्वेज कौन सी चलती है वैसे कश्मीर में? लैंग्वेज हिंदी चलती है और कश्मीरी, कश्मीरी कैसी है? कश्मीरी दे नॉर्मली तो समझ में आती नहीं, हिंदी सबको समझ में आ जाती है, यानी हिंदी तो चलती ही है। हाँ हिंदी सबको आती है मतलब प्रोफेसर वगैरह हाँ को और लोगों को, लोकल को हाँ सबको आती है हिंदी तो। मतलब एआई के वालों को ये दिक्कत तो नहीं होगा लैंग्वेज का? तो नहीं नहीं लैंग्वेज का कुछ ही दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि कॉलेज के आसपास या ट्रिप के लिए घूमने के लिए क्या क्या जगह है? मतलब एक तो होता है ना कि हमारे कॉलेज के आसपास कोई जगह ही नहीं है, एक होता है कि बहुत जगह है मजा आएगा ऐसे। ट्रिप के लिए बहुत जगह है, बहुत बढ़िया जगह है ये ट्रिप के लिए तो, हाँ देखी थी मैंने आपकी यानी फोटो वगैरह में भी देखा था, झील वगैरह बहुत है शायद ना। हाँ बहुत है घूमने लायक जगह तो। घूमने की कोई दिक्कत नहीं है मतलब ट्रिप के लिए प्लान आराम से हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगला क्लासरूम के अंदर का माहौल कैसा है, जैसे बच्चे लड़के और लड़कियां साथ बैठते हैं, साथ बोलते हैं, ये सब चलता है? हाँ भाई एक होता है एकदम ना कि चलता मतलब लड़के एक साइड में बैठेंगे, लड़के एक साइड में, ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स में है सब? है। हाँ मिक्स में रहता है। चलो ये अच्छा है। और आपके कॉलेज की कोई खास चीज़ या कोई एकदम बुरी चीज़ जो ऐसे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी आपने बताया कि फंक्शन वगैरह नहीं होते हैं, ये गलत चीज़ है, ऐसे और कुछ बुरी लगी हो या फिर कोई एकदम खास चीज़ हो? और मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर पढ़ाई को ही देते हैं बढ़ावा, कि पढ़ाई बस पढ़ाई में ही है सब कुछ। ये तो है, लेकिन वही है कि एमबीबीएस में बच्चे अगर आएंगे तो उनको ये तो अच्छी नहीं लगेगी, ये तो बुराई लगेगी उल्टी। हाँ तो ये बुराई है मेरे चलो लिए। और है कि सफर में कितना क्या खर्चा आता है, जैसे आप राजस्थान से हो तो जयपुर से बता दो, जयपुर से कितना क्या खर्चा लगता है वहां जाने का? जयपुर से जम्मू के लिए जाते हैं तो लगभग रहता है ट्रेन वगैरह 650, और फिर आगे आते हैं ना जम्मू से श्रीनगर, स्लीपर का बता रहे हो? हाँ स्लीपर का बता रहा हाँ हूँ, हाँ और फिर आगे यानी टैक्सियाँ आती जाती हैं तो उनका लगभग 1000 1200 तक। और अभी दिसंबर में कंफर्म है कि ट्रेन आ जाएगी यहाँ पे श्रीनगर तो कुछ हाँ दिक्कत नहीं होगी फिर तो। और फ्लाइट का कभी देखा हो, क्या रेट है फ्लाइट का जयपुर से वहाँ के लिए? हाँ हाँ फ्लाइट का रहता है लगभग 9000 जयपुर से यहाँ आते श्रीनगर हाँ और ट्रेन में। चलो और है कि टाइम, हाँ टाइम कितना लगता है सफर में? टाइम तो लगभग 1 दिन और 1 रात, मतलब वही 24 घंटे के आसपास हो गया। 24 घंटे के आसपास है। सही है। नेक्स्ट है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट रहता है ना, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, वो कैसा है? एनवायरनमेंट यानी ज़्यादातर मौसम सुहावना ही रहता है ठंडा? और ये हाँ ठंडा रहता है एकदम, एसी की फीलिंग आती है बस सही है, मतलब फिर गर्मी तो। में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे कभी? हाँ बिल्कुल एसी की फीलिंग आती है, तो और जिसको इन्वायरमेंट से दिसंबर प्यार है ना बच्चों को, उनको तो वहीं आना चाहिए, ये बोल रहे हो आप? हाँ दिसंबर और जनवरी में तो ऐसे मौसम यानी जो रुई होती है ना, रुई की तरह बर्फ गिरती है, मुझे लगता है कि जन्नत ही है। हाय हाय ये अच्छा है। हाँ बारिश मौसम के वगैरह? हिसाब से, और बारिश भी होती है, अब अभी चल रही है बस बारिश ही होती रहती है। मतलब कुल मिला के ठंडा माहौल रहेगा, ये गर्मी वाला तो हटाई दो सब भी। गर्मी वाला हटाई लो, बस लगभग 1 1.5 महीने रहता है इस टाइम। ये अच्छा है। चलो और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ये तो कॉलेज का डीन कैसा है और वहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी का डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट होता है या फिर नॉर्मल है, अच्छे हैं सब? नहीं अच्छे हैं सब, हेल्प करते हैं बाहर वालों की तो बढ़िया, और हाँ लगभग सही है।
और लास्ट क्वेश्चन ऐसा है जो अभी मैं पूछने वाला था, क्या था, हाँ आपको लास्ट ईयर मतलब कितने नंबर तक ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट को वहाँ कॉलेज मिल सकता है? पिछली यानी 2022 में मिला था, लगभग 19,000 रैंक था। 19,000 रैंक तक वो कॉलेज मिल गया था ना, तो अबकी हाँ बार लास्ट तक। रैंक तो अबकी बार फर्क नहीं होगी, रैंक तो वही रहेगी, बस नंबर में आगे पीछे हो सकता है, हाँ नंबर में आ मतलब सकता जिसके 19,000 के आसपास रैंक है ऑल इंडिया रैंक, वो वहाँ मतलब मिल सकती है उसको, है ना। है, मिल सकती है। तो चलो ये कुछ क्वेश्चन थे, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन रहेगा किसी जूनियर को तो वो वीडियो पे कमेंट कर देगा, तो उनका आंसर आप जरूर देना, ठीक और जो है जूनियर अगर वहाँ आएगा तो वहाँ उनकी मस्त अच्छे से हेल्प करना, वैसे आप सीनियर बन जाओगे, आप ही करोगे हेल्प, तो हर कॉलेज में अच्छा है सीनियर वाला रिश्ता, तो हाँ जरूर जरूर भाई ये ध्यान रखना, ठीक। ठीक है भाई।